Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to 4G banega India. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. So, बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका और obviously जिस कड़ी में मैं तेजी के साथ बढ़ रहा हूँ और हाल फिलहाल में आपने देखा कि मैंने प्रियांशु और अनमोल का इंटरव्यू लिया. Obviously दो पोल थे मेरे सामने, एक तरफ एक बच्चा था जो ऑब्वियसली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का हिस्सा था, तो दूसरा बच्चा जो कि बिहार के छपरा जैसे जगह से आने वाला था, आज इस कड़ी में मैं आगे बढ़ने वाला हूँ. इवन आई एम डूइंग ऑल इंटरव्यूज इन हिंदी. मैं बहुत सारे इंटरव्यूज हिंदी में कर रहा हूँ बिकॉज आई नो कि जो मैक्सिमम ऑडियंस हमारी देश की है और जो बातें आप तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ दिल से और जो समझाना चाहता हूँ, जो एक मैसेज आपको कन्वे करना चाहता हूँ, वो शायद इसी माध्यम से हो सकता है. और ऑब्वियसली मेरे दोनों बच्चे प्रियांशु एंड अनमोल ऑब्वियसली एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट हुए और फ्लाइंग कोर में वो ऑब्वियसली एज ए पायलट उनका जो ड्रीम था वो पूरा कर पाने में कहीं ना कहीं वो कामयाब रहे. इस कड़ी में आगे बढ़ रहा हूँ. जैसे मैंने आपको वादा किया था कि लगातार हम हर तरह के कमीशन कैटेगरी में सिलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यूज आपके सामने लाएंगे. और कम से आपने ये भी देखा कि हमने नॉन कमीशन कैटेगरी में भी बहुत सारे इंटरव्यूज आपके सामने ला रहे हैं. इंटरव्यूज जो लाते हैं हम वो कहीं ना कहीं चुनिंदा बच्चों को हम चुनते हैं बिकॉज आई थिंक आज एयरफोर्स के रिजल्ट्स की बात करें तो वी हैव अ बिगेस्ट रिजल्ट इन इंडिया. हमारे पास सबसे बड़ा रिजल्ट है. आज हमारे पास सैकड़ों की संख्या में जो है बच्चे बैठे हुए हैं जो कि फेज टू के प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं. बट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम कुछ चुनिंदा बच्चों को ही चुनते हैं जिनकी इंटरव्यू लेते हैं, जो ऑब्वियसली एक इंस्पायरिंग स्टोरी होती है आपके लिए जिसको सुन करके कहीं ना कहीं आप खुद से कनेक्ट कर पाते हैं और अपने ऑब्वियसली करियर की ओर बेहतर फोकस कर पाते हैं. आज उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ने वाला हूँ और आई एम रियली फीलिंग प्राउड टुडे बिकॉज आज मैं जिस कैंडिडेट से बात करने जा रहा हूँ इट्स रियली इंस्पायरिंग कि लाइक आप किसी भी जगह से आते हो, आप किसी बैकग्राउंड से आते हो, आप कहीं से भी आते हो, मायने ये रखता है कि किसी चीज़ को पाने का, उस चीज़ को अचीव करने का जज्बा आपके अंदर है कि नहीं. और कहते हैं वो जज्बा होता है ना तो पूरी कायनात वाकई में आपके साथ होती है आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाने के लिए. तो बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है अंकित आपका. सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन. आप एक रियली मिसाल खड़ी किए हैं टू गेट सिलेक्शन फ्रॉम द इलाहाबाद बोर्ड, जैसे कि सबसे टफ बोर्ड का एक रिमार्क लगा हुआ है. अगर आपने वहाँ से ऑब्वियसली अपनी सफलता सुनिश्चित की है तो अपने लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, बहुत इंस्पायरिंग है. तो चलिए थोड़ा बहुत आपके विषय में जानेंगे और ऑब्वियसली वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके विषय में हम बातें इनको जल्द से जल्द पहुँचाएँ. तो सबसे पहले अंकित आप बताएं कि आप मूलतः बिलोंग कहाँ से करते हैं? सर हम हाथरस के रहने वाले हैं. जी, हाथरस बेसिकली कानपुर और इटावा के बीच का ये प्लेस है. यस सर, इटावा से आगे पड़ता. अच्छा, इटावा से आपका हाथरस? इटावा से. हाँ, तो हाथरस कैसा एरिया है? बहुत डेवलप्ड एरिया है? नो सर. जी, रूरल एरिया है बहुत. वहाँ पे जो एजुकेशन है उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती है. वहाँ पे अगर लड़का 16 का होता है, 18 का होता है तो या तो उसको काम में डाला जाता है या फिर उसको शादी वगैरह की जाती है. ये एक कल्चर है वहाँ का? हाँ, यस सर. जी, अभी तो वैसे भी हाथरस केस को लेके काफ़ी सारे जो है इश्यूज हम लोगों के सामने आए तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमने मीडिया को भी देखा वहाँ जाते हुए, तो डेवलपमेंट का लेवल वो नहीं है जो एक्चुअली वहाँ पर जो होना चाहिए. बिल्कुल सही कहा आपने. तो बेसिकली हाथरस में सबसे पहले थोड़ा सा आपके फैमिली के विषय में जानना चाहूँगा. अपने पिताजी के विषय में बताएं, माँ के विषय में बताएं और अपने भाई बहन के बारे में बताएं. सर मेरे पिताजी एक किसान हैं. जी, उन्होंने बहुत ही मेहनत और मजदूरी करके मुझे पढ़ाया था. जी, और मेरा जो स्कूल था उसकी डिस्टेंस समथिंग घर से 20 किलोमीटर थी. जी, तो मैं डेली पैसे की वजह से मैं साइकिल से जाता था सर डेली. जी, ताकि मेरी फैमिली पर फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी मैं लोड ना डाल सकूं. जी, तो 20 किलोमीटर डेली आप साइकिल ड्राइव करते थे? यस सर, वन साइड का, टू साइड का 40 किलोमीटर. 40 किलोमीटर? यस सर. आज के टाइम में थोड़ा सा अंकित इस बात को सुनते हैं हम लोग तो सरप्राइजिंग लगता है. मे बी लोगों को ये लगता है कि शायद ये कहने वाली बात है, बट एक्चुअली जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि वो संघर्ष आपने वाकई में किया है और ऑब्वियसली आज उसका इनाम आपने दे दिया अपने परिवार को, अपने गाँव को और उस समाज को जहाँ से आप एग्जैक्टली आते हैं. तो बेसिकली पिताजी किसान रहे और ऑब्वियसली आप एक नॉर्मल फैमिली से हैं, तो कैसे ये सपना अंदर पला? क्योंकि आज के टाइम में तो यही बहुत टफ है कि आप उस तरह के परिवार से आते हैं, आप उस जगह से आते हैं जहाँ ये सोचना अलाउड ही नहीं, तो आप में थॉट प्रोसेस कहाँ से जन्म लिया? सर मेरे मामा जी थे, वो मतलब गवर्नमेंट जॉब पे थे, उनकी फैमिली में सब हैं, तो वो फिलहाल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे. उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि लाइफ तो सभी जीते हैं, सब आते हैं, अपने जीते हैं, पेट के लिए खाते हैं, मर जाते हैं, लाइफ में कुछ ऐसा करो ताकि नाम हो समाज का, घर का और देश का. बहुत बढ़िया. तो कुछ बताएं कौन सी एंट्री थी आपकी और कब आपने बोर्ड में रिपोर्ट किया और कैसे आपकी जर्नी, थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल दें बच्चों को. यस सर, मेरी एनडीए एंट्री थी. मैंने एनडीए 2019 सेकंड वाला भी रिटर्न दिया था लेकिन उसमें मेरा नहीं हो पाया था. जी, तो फिर भी घर वाले बोले थे कि शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि यूपीएससी पेपर कराती है
और वो अपीयरिंग का चांस था, आप उस समय 10 प्लस 2 में रहे होंगे जब आपने वो एग्जाम दिया। 12th का बेसिक हमें नहीं पता था इसलिए हां रिटेन नहीं हो पाया जी। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं अगला चांस देंगे तो मैं उसमें बैठा। अप्रैल का टारगेट किया आपने? अप्रैल का टारगेट दिया, लेकिन सर ड्यू टू कोरोना वो दोनों पेपर जो साल में दो बार होते हैं एक बार में हुआ 6 सितंबर को। यस सर 6 सितंबर को मेरा रिटेन था, मैंने रिटेन दिया अच्छे से जी। उसके बाद मेरा जब रिजल्ट आया तो मैं चौंक गया क्योंकि मेरा रोल नंबर उसमें था। बहुत बढ़िया। पीएससी के लिए आप कॉन्फिडेंट नहीं थे इस बार? यस सर कॉन्फिडेंस थे। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने सोचा अगर मेहनत की जाए थोड़ी सी और तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में सेलेक्ट हुए आप। यस सर, मतलब एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड का एसएसबी आपका वेट कर रही है और फर्स्ट में आपने सफलता तय कर दी है। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर आगे बताएं आप अपनी कहानी। तो उसके बाद सर मैंने सोचा कि यहाँ पे जो एनडीए एसएसबी की कोचिंग है यहाँ पे आसपास नहीं हो पाई, तो मैं सर आपकी वीडियो मोटिवेट करने के लिए देखता था। और मुझे डिफेंस में एस्पिरेंट बचपन से ही था, मुझे अच्छा लगता था डिफेंस के लोगों को देख के कुछ अलग ही फील होता था। और मैं डेली आपकी वीडियो देखता था, नाइट में सोता था। थैंक यू सो मच। उससे मुझे मोटिवेशनल मिलती थी, तो सोचता था लाइफ में कुछ बड़ा करना सर, जिससे समाज का नाम हो सके, घर वालों का भी नाम। बिल्कुल अंकित, ये कोशिश हमेशा से रही है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारी जनरेशन है, मैं उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग कर सकूं, कुछ उनको ऐसा बताऊं जिससे वो घर बैठे भी ताकत लाए। मैं ऑब्वियसली हर उस ग्रामीण बच्चे को, हर उस बच्चे को कवर करना चाहता हूं जो ये मान लेता है कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो सकती है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना हो सके। कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे देश में हैं जो लोग कहाँ से आते हैं बट उन्होंने कहाँ की ऊंचाई तय की। अब तो अगर मेरे विषय में बात किया जाए, आज थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन है, स्मार्टनेस आ गई, बट मैं भी आप जैसे ही बैकग्राउंड से आता हूँ, उसी गांव स्तर से आता हूँ और उसी तरह की स्कूलिंग से निकल के आया, बट चीज़ें बदल जाती हैं। और शायद जब मैं आपको एकेडमी के एक साल पूरा करने के बाद जब मैं आपसे मुलाकात करूँगा तो आप स्मार्ट और बदले हुए मुझे दिखाई देंगे। चलिए थोड़ी सी जर्नी को आगे लेके बढ़ते हैं सर। उसके बाद मोटिवेशनल मैं आपकी वीडियो देख के मोटिवेशनल हुआ, फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी गर्लसी मेरे लिए फिट रहेगी और मुझे वहाँ पे जाके मेहनत करनी चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि वो इलाहाबाद से अलीगढ़ समथिंग 600 किलोमीटर किलोमीटर और यहाँ पे रहने की भी दिक्कत थी, ऊपर से कोचिंग का भी पैसा था। तो पापा जी ने इधर उधर से लिया और हमारे नाना जी थे वो गवर्नमेंट जॉब पे थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया, तब सर मैं यहाँ पे आ पाया। कोचिंग की फीस मैंने भरी जी, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे तैयारी की, 14 दिन देखा, लेकिन 14 दिन सर मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ वो वाला, मैं शायद रिकमेंडेड हो सकूँ, इसलिए मैं दिवाली के बाद फिर आया। फिर से एक बार आपने किया। yes, एक अच्छी बात यह है, अक्सर इस प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हूँ तो समाज में जब हम लोग बैठते हैं तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि एवरीथिंग इज फाइनेंशियली कनेक्टेड, नथिंग लाइक मेजर कलसी की एक अच्छी बात यह है कि अगर एक बार आपने चार्जेस पे किए हैं तो आप एक साल में कितना बार भी करेंगे, कंपनी आपसे कभी एक रुपए चार्ज नहीं मांगेगी। फिर से आते हैं आप दो बार पढ़ेंगे तीन, और जब तक सफलता नहीं तब तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बढ़िया। इस तरह आपने 14 डेज वो कम्प्लीट किया, फिर दिवाली के बाद आप आए और फिर से आपने लग के मेहनत की। एसके सर और मेजर कलसी पे मुझे भरोसा था कि मैं शायद अपने रास्ते पे कामयाब हो सकूं जी, इसीलिए मैंने उसी रास्ते पे चलता गया और कॉन्फिडेंस से अपनी तैयारी की और फाइनली मेरा सिलेक्शन 5 दिसंबर को आपने बोर्ड में रिपोर्ट किया। यस सर, इंटरेस्टिंग जर्नी रही पूरी की पूरी और फाइनली आज रिकमेंड हो गया। पावरफुल मोमेंट था सर, यूपीएससी मुझे कॉल लेटर कर रही है, बुला रही है इंटरव्यू के लिए जी। तो सर मैं बहुत ही प्राउड फील हुआ जब मुझे मेल आया यूपीएससी का। तो डेडिकेटली आपका सपना इंडियन आर्मी था या फिर आपका सपना जो है एयरफोर्स या नेवी रहा? और सर मेरा सपना जो इंडियन नेवी था। अच्छा जी, नेवी था जी, लेकिन सर कुछ नंबर से या नंबर मार्केट से या एसएसबी की वजह से मुझे आर्मी के लिए प्रेफरेंस थी। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लगता है तीनों फोर्सेस इक्वल हैं और सबकी इक्वलिटी है और जहां मौका मिलेगा वहां देश की सेवा करेंगे। जी अंकित, कुछ नॉर्मल प्रश्न बनते हैं कि हिंदी बैकग्राउंड से हैं आप और जहां तक मैं फील कर पा रही हूं नॉट क्वाइट कॉन्फिडेंट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन इंग्लिश, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक भ्रम नहीं चल रहा था, एक डर नहीं चल रहा था कि माय कम्युनिकेशन इज नॉट सो मच गुड, इज दैट आई विल परफॉर्म ऑन दैट लेवल और नॉट? बिकॉज कई मोमेंट आए होंगे, जैसे मैं स्क्रीनिंग की ही बात कर लूँ तो मौका आया होगा जब आपको स्टोरी राइटिंग करनी पड़ी। स्टोरी राइटिंग तो सर वो है, मैंने यहाँ से प्रैक्टिस की थी, उसकी दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत थी नरेशन और जीडी की थी। जी बिल्कुल, नरेशन एंड जीडी। तो मैंने कैप्टन सर से अलग से पूछा था जी कि सर मैं इसके लिए क्या करूँ, तो उन्होंने बताया था कि आप डेली मिरर पे बोलिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, इंग्लिश न्यूज देखिए, इंग्लिश न्यूज पढ़िए, करंट से रिलेटेड कुछ भी देखिए जी। और आपने लगातार वो प्रयास किया। यस सर, और वो आपको एक कॉन्फिडेंस दिया। तो कैसा रहा जब स्क्रीनिंग राउंड आपका रहा तो ड्यूरिंग नरेशन और जीडी आप कैसे निकल के, आपको क्या एहसास हुआ कि आप कैसा कर रहे हैं उस समय? सर जब सब नरेशन की बात आई तो सब अपना नरेशन बोल रहे थे, मैं भी बैठा था, मेरी बारी आई तो मैंने भी कॉन्फिडेंस से बिना रुके अपना
रेसन किया था सर। स्टोरी की क्या थीम थी आपकी? स्टोरी को जो हमेशा हमारी बात की जाती है कि उसमें क्या होता है डिस्कशन में कि बच्चे इमेजिनरी स्टोरीज बहुत लिखते हैं। यस सर, यस सर। बट आपने तो एक संघर्षपूर्ण जीवन वाकई में जिया हुआ है। यस सर। तो कैसी कहानी थी आपकी? सर मेरी कहानी मैंने जैसे यूपी बोर्ड से पढ़े हैं और वहाँ पे हिंदी बोर्ड का सिलेबस ऐसा राइटिंग वाला ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल। हाँ, जैसे साइकोलॉजी सोशोलॉजी सब्जेक्ट होती है तो उसमें लिखा जाता है, आप जितना लोगों को उतने नंबर उतने नंबर मिलेंगे, तो उसी का फायदा। टेंथ तक तो पढ़ना ही है सब। हाँ सर, पढ़ना ही है जी। तो उसका फायदा और एस के सर का फायदा और जो मैम हमें जी डी कराती थी उसका फायदा सर। बहुत बढ़िया। तो क्या स्टोरी का थीम था आपका अंकित, जो आपने स्टोरी राइटिंग की, उस स्टोरी में क्या आपने दिखाने की कोशिश की थी? स्टोरी में मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि को जैसे हमें अपने समाज को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो डेवलप के एरिया पे बढ़े। समाज बढ़ेगा जब स्टेट होगा, स्टेट से कंट्री बढ़ेगी, तब कंट्री एक डेवलप के रास्ते पे जा पाएगी। बहुत बढ़िया। तो उसमें हीरो की जो भूमिका थी उसका बेसिक थीम क्या था आपकी कहानी में? बेसिक थीम सर ये था कि वो जैसे कोई कट था, ट्री था जी, उसको कट करके लोड हो रहा था, तो वो अगर वो टाइम पे उसको वहाँ से लोड नहीं कर पाते तो ट्रेन का टाइम था वो आ जाता और क्या पता सर लाखों लोगों की मौत हो जाती जी। तो उसको एक सोशल वर्क भी करना था। बिल्कुल। तो उसको जान बचानी थी, यही सब मैंने एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में। तो आपने फाइनली जो ट्रेन की पटरी पे वो ट्रक था उसको आपने हटाने में जो है पूरा का पूरा इनिशिएटिव लिया। बहुत बढ़िया। क्या क्रिएटिविटी दिखाई, कैसे हटाया आपने उस चीज को? सर मैंने हटाने के लिए कुछ वहाँ के जो पॉप लोकल एरिया के लोग थे उनको भी अपनी स्टोरी में शामिल किया। बहुत बढ़िया। जो दिख नहीं रहे थे, चार पांच थे, लेकिन मैंने उनकी काउंटिंग थोड़ी बढ़ाई ताकि वो, क्योंकि चार पांच तो नहीं कर पाएंगे सर जी, समाज को आना पड़ता है। बहुत बढ़िया। सबको आना पड़ता है तभी कोई सुधार होता है, और एक बीइंग अ ट्रू लीडर हमें सबको हमेशा साथ लेके चलना होता है। वेरी गुड। समाज जब आ पाएगा जब भी कुछ हो पाएगा, इसीलिए मैंने और लोगों को भी अपनी स्टोरी में ऐड किया ताकि वो ट्रक वहाँ से हटे और अपने टाइम पे जो भी ट्रेन अपना निकल पाए ताकि लाखों लोगों की जान बच जाए। बहुत बढ़िया, इट्स अ वेरी नाइस वे। एंड आपने लीडरशिप का भी परिचय दिया कि स्वयं ही एफर्ट ना करके बल्कि एक टीम को इकट्ठा करके आपने उस टास्क को कम्प्लीट करने की कोशिश की। तो ओवरऑल आपका स्क्रीनिंग राउंड बेहतरीन गया। यस सर। एग्जैक्टली। फिर जर्नी आपकी आगे बढ़ती गई इंटरेस्टिंग तरीके से, साइकोलॉजी का पार्ट आया। साइकोलॉजिकल टेस्ट में हमारा टीएटी हुआ था जी, डब्ल्यूटीएसआरटी। तो टीएटी में सर ने बताया था कि थीमेटिक अपरसेप्शन को परसेप्शन नहीं लेना है, जहाँ पे लड़के गलती करते वो गलती आपको नहीं करनी है। तो मैंने वही चीज करके जो मिस्टेक थी मैंने वहाँ पे रिपीट नहीं की और एसके सर की बात को ध्यान में रखकर मैंने वहाँ पे अपना टीएटी अच्छा किया था। बहुत बढ़िया। आपने पूरी 11 स्टोरीज कंप्लीट की। यस सर। और ब्लैंक स्टोरी आपका क्या थीम था अंकित, मैं जानना चाहूंगा, जब आपको ब्लैंक दिखाया गया तो क्या दिमाग में आया, कैसी कौन सी कहानी जो आप उस समय लिखना चाह रहे थे वहाँ पे? उस समय मैं सर एक चीज लिखना चाह रहा था कि आजकल जो इंडिया की कंट्री है वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे डीआरडीओ अपना डिपार्टमेंट है, अच्छे अच्छे लोग सैलरी लेते हैं लेकिन फिर भी कंट्री के लिए नहीं इतना कर पाते जितना करना चाहिए। राफेल को देख लीजिए आप, सुखोई को देख लीजिए, जैसे वो सैलरी लेते वैसे ही एयरक्राफ्ट नहीं बना पाते। बढ़िया। तो उसी के मैंने देखने के लिए डेवलप के लिए एक वो दिखाई थी कि हमें अंदर से बढ़ना चाहिए, अंदर से सोचना चाहिए जब भी कुछ हो पाए। बहुत बढ़िया। तो आपने वो एक सोच डाली कि हमें और क्रिएटिव होना चाहिए और इस तरह की चीजों का प्रोडक्शन हमें अपने देश के अंदर लाना चाहिए। बहुत बढ़िया। वेट कैसा गया, 60 वर्ड्स कैसे रहे आपके? 60 वर्ड में से सर मैंने 42 अटेम्प्ट किए थे। 42 अटेम्प्ट किया आपने। अच्छा। वेट में सर ने बताया था कि नेगेटिव वर्ड नहीं लिखना, जो भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना, नेगेटिव वर्ड नहीं लिखना, और कुछ जैसे होमोफोन्स वगैरह होते हैं वो उन चीज़ों का यूज नहीं करता है, नहीं करना, ये सब मैंने उनका टेक्निकली आपने उन सब बातों को वहाँ पे बैठा ख्याल रखा। बहुत बढ़िया अंकित। और एसआरटी आपका बढ़िया हुआ होगा, कितने अटेम्प्ट किए आपने? एसआरटी में 48 थे सर। 48 आपने अटेम्प्ट किया। अच्छा, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी में कम अटेम्प्ट हुए, लाइक आपका पूरा वेट नहीं हुआ है सर, तो कहीं ना कहीं ये डिमोटिवेशन का कारण तो नहीं बन रहा था? नहीं सर, डिमोटिवेशन का कारण नहीं बन रहा था क्योंकि हमने सोच रखा था सर स्क्रीनिंग तक आए हैं तो कॉन्फिडेंस से वहां तक भी जाएंगे। वेरी गुड। और आप सबसे अच्छी बात ये थी कि आप जो कर रहे थे कॉन्फिडेंट थे कि जो मैंने किया है सही किया है, जो मैंने नहीं किया मुझे नहीं आता था इसलिए मैंने नहीं किया है। सर मैंने ये नहीं रखता कि आपने 60 में से 25 किए, मैंने ये रखता है कि आपने कॉन्फिडेंस से कितना किया और आगे भी कॉन्फिडेंस को उसको बनाकर आगे भी करना है, आगे के टेस्टिंग में भी वो रोल आपको निभाना होता है। आप 60/60 कर लो लेकिन उससे भी सर इतना वो नहीं मिलता है जब तक आप कॉन्फिडेंस से आगे नहीं बढ़ोगे। वेरी गुड। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये चल रही होगी अंकित की, जब ठीक है साइकोलॉजी एक पार्ट है, जीटीयू एक पार्ट है, बट इंटरव्यू आपका बड़ा कमाल करा होगा, मैं ऐसा एहसास कर रहा हूँ खुद से, बिकॉज आप एक ऐसी जगह से आते हैं कि आपकी लाइफ की कहानी बड़ी बेसिक है और मुझे लगता है कि बहुत सारे ग्रामीण छात्र आपसे खुद को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि वो स्ट्रगल की साइकिल लेकर के 20 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना कितना चैलेंजिंग, आई थिंक वो 20 किलोमीटर की ट्रैवलिंग एक आइसोलेशन जोन है, कितना कुछ दिमाग में आता रहा होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपने परिवार के लिए क्या करना है, कितनी जिम्मेदारियाँ, कितना एहसास आपके अंदर बिल्डअप हो रहा होता है,
और वाकई में एफर्ट्स तो लगते हैं क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज अपने आप में कमाल वाली है। अच्छा, इसके बाद जब वहाँ स्कूल पहुँचना तो कितना फोकस स्टडी करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट हो रही है और आपको ये लगता है कि हम उसके लायक नहीं हैं, बट हमारे फादर हमारे पिताजी अगर हमें मदद कर रहे हैं तो कितनी बड़ी मौलिक जिम्मेदारी हो जाती है कि मुझे उसको बेहतर ढंग से निभाना है। तो चलिए थोड़ी सी इंटरव्यू की भी जो है झलकियों की बात करते हैं। कैसा रहा कुछ आप मोमेंट बताएं इंटरव्यू का? पर्सनल इंटरव्यू में सर जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने मेरा पर्सनल इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मुझसे जो भी क्वेश्चन किए मुझे एस के सर ने बताया था कि आप जो भी हो दिल से बोलना, झूठ नहीं बोलना, बनावटी बातें नहीं करनी, नहीं करना है। तो जैसे सर उन्होंने एक क्वेश्चन किया था हिंदी में किया था कि सपोज करो हम आपको आपकी जो एनडीए की सैलरी होती है वो हम आपको नहीं देंगे तो क्या आप अपने देश के लिए सर्वाइव करोगे? तो हमने उनको बताया था सर कि सर ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन हम यहाँ पे आए जी, अपने देश के लिए भी सर्वाइव करने आए और फाइनेंशियल कंडीशन को भी अच्छी करने बेहतर करने आए। अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर नहीं कर लोगे, नहीं कर पाओगे, जैसे आप सैलरी नहीं दोगे तो सर सॉरी सर हम नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, आपने ये बात स्ट्रेट अवे वहाँ पे बोल, सर, बोल दिया मैंने सॉरी सर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको फैमिली को भी देखना है, समाज को भी देखना है और कंट्री को भी, दोनों के लिए करना। वेरी गुड, और शायद जॉब से जुड़ने का वजह भी यही है सर, मैं देश की सेवा तो चाहता ही हूँ सर, बट मैं अपने फैमिली का भी फाइनेंशियल स्टेटस सही करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है ये एक्सेप्टेंस है, बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट को लेकर आदर्शवादी बातें करते हैं। हाँ सर, बट आदर्शवादी बातें अच्छी नहीं लगती है, रियलिटी तो यही है कि कहीं ना कहीं आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल को, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस पाने को, सोशल रिस्पेक्ट पाने को और देश के प्रति अपना जज्बा दिखाने का, हर प्रोस्पेक्ट से आप पॉजिटिव होते हैं तभी आप फौज से जुड़ते हैं और ये फैक्ट है अपने आप में। तो बहुत बढ़िया, आपने स्टेट अप जवाब दिया, मुझे लगता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने बहुत तगड़ी मुस्कुराहट दी होगी आपको। सर यही क्वेश्चन था, हमें लगता है कि यही क्वेश्चन उनको इफेक्ट डाल गया सर, कि बच्चे ने एकदम दिल से सही की, हाँ बनावटीपन बिल्कुल नहीं चला। और कोई ऐसा प्रश्न जो आपको इंस्पायर किया हो और आपको लगा हो कि मैंने इसका सर ये जवाब दिया? यस सर, एस के सर ने मुझसे पर्सनल इंटरव्यू में कुछ, मतलब मुझसे नहीं, कुछ लड़कों से लिया था, जैसे कुछ सोशल मीडिया के बारे में क्वेश्चन किए थे, जैसे आप कुछ गलत साइट देखते हो तो लड़के सर छुपाते की कोशिश करते हैं कि हम नहीं देखते, गलत साइट्स हम नहीं देखते। इसको हम कह सकते हैं पोर्न साइट्स बहुत सारी हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने पूछा तो सर हमने बता दिया बिल्कुल, जैसे कि हम देखते हैं कि अच्छा देखते हैं तो कहाँ से देखते हैं? सर सोशल मीडिया से, कुछ फ्रेंड वगैरह डालते रहते हैं कि अच्छा, तो वहां से आ जाती हैं चीजें सामने। उन्होंने फिर पूछा कि ऐसी फीलिंग आती, तो हमने बोला सर अनकंट्रोलेबल माइंड, कंट्रोल ही नहीं रहता, हम क्या करते हैं हमको खुद नहीं पता जी। बहुत तो जो भी पूछा हमने दिल से बताया सर। वेरी गुड बेटा, मुझे लगता है कि फिर से एक बार आपने सही जवाब दिया, बिकॉज एक उम्र ऐसी है कि ये उम्र का दौर ऐसा है। हाँ। अब इसमें आप छूटा फिर से आदर्शवाद नहीं ला सकते, इट्स हैपन, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रक्रिया, रियलिटी बतानी पड़ती है। तो आप इतना कॉन्फिडेंटली सारे जवाब दे रहे थे बिल्कुल। अच्छा, ही इज आस्किंग थ्रू आउट लाइक इन इंटरव्यू वाज गोइंग इन हिंदी या इट वाज हैपनिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज? सर बीच में इंग्लिश इंग्लिश यूज होती थी, लेकिन हमने सर को पहले बोल दिया था सर आप रिकमेंडेड करिए या फिर आपका जो भी रूल्स है आप अपने देखिए, लेकिन हमारी जो कमियां है, जो स्ट्रॉन्ग जोन है, हम आपको पर्सनल इंटरव्यू में दिखाएंगे जी। हम जबरदस्ती आपसे स्पीकिंग इंग्लिश करें, हमको नहीं आए तो नहीं। तो क्या ये स्टेटमेंट आपने पहले पास कर दिया या पहले ही पास कर दिया जी कि हम सर जवाब हिंदी में देंगे बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद द हिंदी लैंग्वेज? इस तरह की बात आपने कही? यस सर। तो आपको डर नहीं लग रहा था कि इधर एक्सपेक्टेशन वाज समथिंग डिफरेंट और मैं ऐसा बोल रहा हूँ मेरा क्या इम्पैक्ट होगा इस चीज का? कॉन्फ्रेंस आउट कर भी देते वो लोग तो फिर से कोशिश करते सर हम। बहुत बढ़िया, सेकंड चांस आपके पास था। यस सर, तो आप बिल्कुल तैयार थे। यस सर। अच्छा, ये एक पॉइंट था कि सेकंड कोशिश हम फिर से करते और सेकंड कोशिश करने की वजह क्या होती है, अंकित क्या दिमाग में उस चीज को लेकर चलाते, क्योंकि प्रायोरिटीज तो बदल ना जाती शायद कुछ टाइम में, तो ऐसा नहीं था कि कम्युनिकेशन आपका बहुत बेहतर हो जाता और फिर सेकंड टाइम जाते तो आप अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल अलग तरह से रिप्रेजेंट कर पाते, तो सेकंड दिमाग में कहां से आ रहा था? सेकंड दिमाग सर जैसे हम दोबारा से आए थे यहां से कोचिंग करने, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को संभाल ले, तो हमें लगता है सर कहीं ना कहीं मेजर कल्सी ने मेरी कम्युनिकेशन स्किल जो थी कम से कम 40% वो अपग्रेड की। अब इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग वाइज यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड इफ समबडी स्पीकिंग इन इंग्लिश देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, द प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन फ्लुएंट वे, आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाते, बट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली, दैट दैट्स रियली ग्रेट। बस एक्सप्रेशन भी आ जाता थोड़ा थोड़ा मेहनत करने से, वैसे भी अब आप फौज का हिस्सा होने जा रहे हैं, आपका लैंग्वेज बेहतर हो जाएगा। आई हैव मेनी एग्जांपल, बच्चे मेरे से हमेशा पूछते हैं सर फॉर द कमीशन क्रिटिक व्हाट यू थिंक्स, लुक आई नो द साइकोलॉजी पार्ट राइटिंग इज ऑल अबाउट इन इंग्लिश, आई अंडरस्टैंड दैट, बट One thing, if you're going to express yourself in Hindi, तो ऐसा नहीं कि कोई आप पर रोक लगा देगा। Important ये है कि should be confident about your thought, about your opinion, about your views. आप जब GTO task में जाते हैं, आप group task में participate करते हैं, individual task में आप participate करते हैं, या आप फिर half group task में जाते हैं, तो ऐसा नहीं ना कि task करने के दौरान आप throughout English language में ही बात करते हैं, आप कहीं ना कहीं हिंदी language में बात
करते हैं, आप एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए टास्क को कंप्लीट करते हैं, तो ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है बेटा कि आप अपनी पर्सनालिटी को उस हिसाब से आपको दिमाग बनाए हैं कि नहीं, जो ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा वर्ड है, हम जैसे हैं जो हैं हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए और इस तरह से मेहनत। और अंकित अपने आप में उसके लिए एक लाजवाब एग्जाम्पल है समाज के लिए। जहाँ से आप आते हैं, तो गाँव में इससे पहले भी गवर्नमेंट जॉब या इस तरह की लोग अपॉर्चुनिटीज में रहे हैं कभी? नहीं सर, हमारे गाँव में तो कोई गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी जी। यस सर, इतना माहौल भी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी हमने सोचा कुछ अलग करना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे इंस्पायरेशन थे बचपन से, जब वो ऐसे एरिया से आगे कुछ इतना बड़ा कर सकते तो हम तो फिर भी अपना अच्छा कर सकते, ठीक एरिया से हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आई एम रियली फीलिंग वेरी पॉजिटिव टू टॉक विथ यू, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंकित। तो इस तरह इंटरव्यू आपका बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। यस सर, तो उन्होंने समथिंग सर 1.5 घंटे इसीलिए बात की थी, हम 1.5 घंटे आपसे बात की है। एक्चुअली मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बड़ी लंबी बातें कर सकता हूँ। आप बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के इंसान हैं, और सबसे कमाल की बात आप है कि आप बेबाक हैं, आपके जो दिल में है वही आपके जवान में है। और ये चीज़ होने के लिए अंकित बहुत साफ दिल और बहुत रियल हार्ट की जरूरत होती है, जो ईश्वर ने आपको दे रखा है। क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है सब कुछ देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है, इसीलिए जो भी आता है दिल से बोलते हैं। बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है कि दिल का बंदा इस देश का फौजी बन सकता है और वही डिजर्व करता है उस चीज को होने के लिए। अंकित, इसी प्रोसेस में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो GTO एक अलग तरह का एस्पेक्ट था, ग्रुप डिस्कशन राउंड था आपके लिए, लेक्चरेट राउंड था, एंड बोथ एक्टिविटीज थ्रू आउट इन इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ यू परफॉर्म ड्यूरिंग द GD एंड ड्यूरिंग द लेक्चरेट, कैसा हुआ आपका वो? सर GTO के लिए स्पीकिंग इंग्लिश के लिए हमने अलग से ही खुद प्रैक्टिस की थी, जैसे SK सर ने यूट्यूब से, आपने भी यूट्यूब SK सर के साथ वीडियो डाली थी। I do lot of videos actually. Yes, sir. तो वहाँ से हमने देखी थी, वहाँ के कुछ कॉमन वर्ड देखी थी जो हम वहाँ पे यूज कर सकें, हमने वहाँ पे उन वर्ड को यूज किया था जी। तो उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आपने खुद को GD में कवर किया। Yes, sir. बहुत बढ़िया। ग्रुप कैसा था आपका? ग्रुप सर, ग्रुप आप जानते हो, ग्रुप में एक्स्ट्रा स्मार्ट भी बनने की कोशिश करते हैं जी, और जिनको कुछ नहीं आता वो शांत भी बनने की कोशिश करते हैं जी। तो उनको सर मोटिवेट भी करना पड़ता है ताकि वो कुछ हिस्सा बने ग्रुप का। वेरी गुड। यस सर, और बीइंग लीडर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कमजोर है उनको हम आगे ले आए, और जो एक्स्ट्रा स्मार्ट बन रहे हैं उनको इतना तो नहीं बोल सकते लेकिन एक बार को उनकी तरफ साइन तो कर सकते हैं सर जी, कि हमें बहुत कोऑपरेशन के साथ टास्क को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आपने अकेले टास्क कर दिया, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी टीम ने टास्क कर दिया। लीडर ऑलवेज प्ले अ वेरी हिडन रोल, लीडरशिप इज अ इमर्जिंग क्वालिटी, ये आपकी एक्टिविटीज से आती है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं। और जहां सर सच्चाई होती है वहां लीडरशिप अपने आप। वेरी गुड, जहां सच्चाई होती है वहां लीडरशिप जरूर आती है। थोड़े से मुद्दे पे और बढ़ूंगा मैं, जैसे कि आपके सामने टास्क, मुझे लगता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आपके लिए काफी आसान रहा होगा। हाँ, आप जहाँ से आते हैं इतना मेहनत आप करते हैं तो हाँ, आपने वो टास्क फटाफट कर दिया। आप देखिए सर, मेजर गर्ल्स में हमने प्रैक्टिस की थी 2-3 बार, तो उसका हो गया, आइडिया एक क्लियर था, स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन सारे कलर रूल्स लोड ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर। तो आपको मदद किया, मतलब ग्राउंड ने आपको हेल्प किया कि आप GTO में अच्छा परफॉर्म। ग्राउंड ने हेल्प किया था सर, और आपकी वीडियो ने भी हेल्प की थी, SK सर की जो वीडियो थी GTO के बारे में उन्होंने भी हेल्प की, बहुत कुछ बताया हुआ है। प्रैक्टिकल भी हम देखने चले जाते थे सर के साथ, जैसे हमें लगता था संडे है, संडे को GTO टास्क होता है यहाँ पे, तो आप आ जाते थे और संडे को पहुंच जाते थे ग्राउंड पे, यहाँ और दिन भर वहाँ टाइम काटते थे और समझने की कोशिश करते थे कि क्या हो रहा है और कैसे इसको करना है। बहुत बढ़िया। एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जब ये जर्नी आप तय कर रहे होंगे अंकित, तो एक मोमेंट आया कॉन्फ्रेंस का जहाँ ऑब्वियसली सारे बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए हैं, कैसा था वो माहौल? बिकॉज आपकी जो पर्सनैलिटी है ये बिल्कुल अलग है, बिकॉज एक बड़ी अच्छी बात है कि एक एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती, कितना आउटलुक से इंसान डिसाइड करता है कि ये बंदा कैसे हो सकता है, यू नो। तो कहीं ना कहीं बोर्ड मेंबर्स के लिए भी तो सरप्राइजिंग होता है, बिकॉज वो देख तो रहे नहीं, साइकोलॉजिस्ट अलग सेलेक्ट कर रहा है इंटरव्यू में। तो कैसा था वो मोमेंट जब आप कॉन्फ्रेंस के अंदर थे? तो सर कॉन्फ्रेंस के अंदर गए, थोड़ा घबराहट भी वहाँ फील हुई थी, क्योंकि यहाँ पे सर साइकोलॉजिकल टेस्ट SSR ने लिया था, वो हमको अच्छे से जानते थे, GTO भी जानते थे अच्छे से। तो हम जैसे ही वहाँ पे गए, सर ने उन्होंने बोला, हमने गुड मॉर्निंग बोल के वहाँ पे बैठे, सर ने जो भी बताया था हमने वहाँ पे रूल्स फॉलो किए बोलने के बैठने के जी। फिर उसके बाद उन्होंने हमसे क्वेश्चन पुट अप करने स्टार्ट कर दिए। क्या प्रश्न आपसे किए गए? सर हमसे वहाँ पे क्वेश्चन किए, अच्छा आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है इंग्लिश, तो आप देश के लिए कैसे इंग्लिश के लिए कैसे सर्वाइव कर सकते? तो हमने बोला सर इंग्लिश इम्पोर्टेंट नहीं होती है, इम्पोर्टेंट होती है हमारी एक्सप्रेशन, हम किसी लीडरशिप को कैसे बना सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी ठीक हो जाएगी जी। और क्या प्रश्न था आपसे? उनका सर प्रश्न था कि अच्छा तो यहाँ का जो माहौल है वो कैसा था जी, यहाँ पे जो सब्जी वगैरह थी वो कैसी, खाना पीना कैसा था, कोई कमी तो नहीं, और
क्या अंकित आपको लगता है कि आर्म फोर्स में कोई कमी की जा सकती है कोई? जी। तो हमने बोला सर हम अभी उसी ओहदे पे नहीं है कि हम आपको सजेशन दें, क्योंकि आर्म फोर्स अपने रास्ते पे अच्छी चल रही है और कहीं ना कहीं सर चीन भी डरता है आज की आर्म फोर्स से, 1962 की तुलना में। जी बिल्कुल, सब डरते हैं और सब कांपते हैं, वो पोटेंशियल, वो डिग्निटी, वो क्वालिटी हमारे इंडियन डिफेंस फोर्सेस में। चाइना भी जानती है सर ये 1962 वाला इंडिया नहीं है। जी इट्स अ चेंज इंडिया नाउ, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे किसी भी, एक मारोगे तो हम 10 मार के आएंगे। जब आईएमए नहीं था इसीलिए जी, आज भी अगर बैटल होता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हर तरह से हम तैयार हैं, पूरी तरह से प्रिपेयर भी हैं उस चीज के लिए। बहुत बढ़िया अंकित। तो फाइनली जब फाइनली 24 लोग अब बैठ चुके हैं, कॉन्फ्रेंस राउंड सबका वन बाय वन हो गया, अब 24 लोग एक साथ बैठे हुए हैं। यस सर। तो क्या चेस नंबर था आपका? सर 13 था हमारा। 13 चेस नंबर, ये लकी नंबर हो गया आपकी जिंदगी के लिए। एंड तो आपका चेस नंबर किस नंबर पे बुलाया गया कि नाउ चेस नंबर 13 इज रिकमेंडेड? यस सर, ऐसे ही उन्होंने टेस्ट नंबर आए थे, साइकोलॉजिकल आए थे, साइकोलॉजिकल जिन्होंने टेस्ट लिया था उन्होंने लास्ट में रिजल्ट अनाउंस किया कि हम उन्हीं के टेस्ट नंबर बोला था जो रिकमेंडेड हुए हैं, जिनका नहीं हुआ उनका रोल टेस्ट नंबर नहीं बोला था। उन्होंने 13 बोला था, हम जाने लगे थे उधर के साथ हमारा नहीं हो पाएगा क्योंकि हम थोड़ा वीक भी थे इसीलिए हम, तो फिर बाद में उन्होंने जैसे ही 13 बोला तो सर पैर कांपने लगी। खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। 11 आया, 11 के बाद जैसे ही के बाद सेकंड आप ही का नंबर आ गया। हाँ, मतलब चेस्ट नंबर 11 के बाद 13 आप ही हो गए। सर 11 के बाद हमने अपने जो पैर थे बैक कर लिए, शायद हमारा नहीं आएगा इसीलिए, लेकिन जैसे ही हमने बैक किए तुरंत एसएसएन ने बोला साइकोलॉजिकल ने 13 चेस्ट नंबर। तो उस समय कैसा फीलिंग था आपके? प्राउडफुल मोमेंट था सर, प्राउडफुल मोमेंट है। और ऑब्वियसली ये मुझे लगता है कि आज जो अंकित आप दिल से बातें कर रहे हैं ये लाखों ग्रामीण छात्रों के लिए एक प्राउडफुल मोमेंट आप दे रहे हैं, ये एहसास ही अलग है। और ऑब्वियसली आप जैसे ही बच्चे यार इस देश के इंस्पिरेशन बनेंगे और बहुत कुछ कमाल कर पाएंगे। आई थिंक हम लोग बहुत छोटे हैं और एक छोटा एफर्ट कर रहे हैं, बट आप लोगों से मिलता हूं तो मुझे भी एक बार इंस्पिरेशन मिलती है कुछ नया करने का, बेहतर करने का और बेहतर करने का। तो बस इसी जज्बे को बनाए रखना है, फटाफट अपना मेडिकल आप डन करिए। एंड ऑब्वियसली आपने 1 फ्रैंक जो है अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो हम किसी बात को लेके डाउट में नहीं, बिल्कुल आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर रहे हैं। सर जो भी था हमने मेडिकल सी ने पहले ही बता दिया था कि अपना जो भी अपनी ईमानदारी से जाओ, कोई बनावटी नहीं करना, कॉन्फिडेंस से बोलना है, जो भी अपनी कमियां को छुपाना नहीं, अपनी स्ट्रेंथ जोन को छोड़ना नहीं। और ये बहुत बड़ी चीज है, मुझे लगता है कि सत्य हो लेना जिंदगी में, कहते ना इंसान को गाली देना बहुत आसान है पर किसी जो कि सॉरी बोलना इज नॉट रियली इजी, वो भी दिल से। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ है और हम यही सिखाते हैं कि आपको एज ए इंडिविजुअल कमाल का बनना है और अच्छा इंसान बनना है। सफलता सफलता तो बाहर की बात है, बट हमें एक बेहतर इंसान जरूर बनना सर, है। आपकी वीडियो से मुझे बहुत काफ़ी मोटिवेट मिला है एंड थैंक यू सर। थैंक यू टू यू, मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ आपसे बात करके, एंड यू आर द पीपल ओनली जिसके वजह से मुझे एक पॉजिटिविटी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, अच्छा बता पाऊँ और ऑब्वियसली बच्चों को एक बेहतर इंस्पिरेशन दे पाऊँ कि वो भी आप जैसे लोगों से इंस्पायर हों। आई थिंक एवरी टाइम उन्हें कंडक्ट, अभी जैसे कि लगातार कमीशन के इंटरव्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रेकमेंड वन बाय वन जैसे आ रहे हैं, अभी हमने हाल फिलहाल में एक अनमोल का इंटरव्यू लिया एंड प्रियांशु जी आपने देखा होगा एक्चुअली, तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी ग्रेट डिस्कसिंग विद देम बिकॉज बोथ आर डिफरेंट पोल एक्चुअली, वन कैंडिडेट फ्रॉम द यू नो मिलिट्री स्कूल, यू नो स्टैंडर्ड इज वेरी डिफरेंट। आई टॉक इन वेरी स्टार्टिंग की प्रियांशु आई एम गोइंग टू टॉक इन हिंदी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश एक्चुअली बिकॉज द crowd would be have actually maximum from Hindi background, तो मेरे को हिंदी में बात करना है so they can connect कि exactly तेरी journey कैसी रही है SSB में। And Anmol was totally different guy, he was from Bihar, Chhapra, I think backward area, but actually उस वो भी बड़ा बिंदास बच्चा था, he was very original, very genuine, उसको ऐसा कुछ नहीं था, बस सर करना है तो करना है, it is the intention like that overall। तो obviously ये बहुत अच्छी चीज़ रही और हम सबकी भी कोशिश यही है कि जिससे हम लोगों ने अभी नॉन कमीशन कैटेगरी की भी एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम लोग जो भी एयरफोर्स ऑलमोस्ट हमारे पास 500 कैंडिडेट ऑन कैंपस हैं जो कि फेज टू के लिए जा रहे हैं एंड वी हैव अ बेस्ट रिकॉर्ड इन इंडिया, हम उसमें मान के चलते हैं कि हमारी सफलता 90% से अबव है, दैट मीन ऑल कैंडिडेट आर वेरी गुड एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि उनको सफलता जरूर मिलेगी और पहले ही कमीशन भी चलता जा रहा है, तो हम भी इसमें बहुत खुश हैं बिकॉज देश को एक्चुअली हम ये दिखा पा रहे हैं कि देखो यार जिनमें जज्बा है, जुनून है, वो बैठ के फालतू बातें नहीं करते हैं,
वो बैठ के कहानी नहीं बताते, अपने रास्ते पे चलते, अपने रास्ते पे चलते हैं, मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य के करीब जाते हैं। कंडीशनल सिचुएशन कभी कभी हमारे अगेंस्ट होती है, लेकिन फिर भी हमें चलना पड़ता है, लगना पड़ता है, तभी हम अपने लक्ष्य के क्या पहुंच पाते हैं, करीब पहुंच पाते हैं। तो बहुत सारी बात आती है, बीइंग सौरभ सर बहुत बड़ी नहीं पहुंच पाते, उसको पा भी लेते हैं। जी जी, और एक अंकित मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है इस समाज को लेकर के, डिफेंस सेक्टर्स को लेकर के। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको एक पॉइंट उठाया कि एक कटऑफ वाला मुद्दा चल रहा था, तो उस मुद्दे में भी मैंने कोशिश की बच्चों को ये अवेयर करने का कि बेटा आप डाइवर्ट ना हो, जो बीत गया सो बीत गया। अहम ये है बेटा कि आपके पास आगे की अपॉर्चुनिटी क्या है, आपके पास मार्च की अपॉर्चुनिटी है। डिफेंसर जो भी कर रहा है अपने लिए, अपने सही रास्ते पे, हम एग्जैक्टली हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मार्च के लिए बेटा मेहनत करिए, आप सफलता तय करिए। और आज हमारे सामने 500 के क्राउड बैठे हुए हैं, जिनमें मैं बड़े पॉइंट से कह सकता हूं कि उसमें एक बच्चा 52% का है, वो भी बच्चा आकर के अपनी फेज 2 की तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे फौज की क्रेडिबिलिटी है कि आज 52% वाला बच्चा भी बैठ करके फौज में जाने की तैयारी कर रहा है, अपनी सफलता सुनिश्चित कर रहा है। आई इंटरव्यू 36% कैंडिडेट फॉर एनडीए, मैंने एनडीए के 36% के बच्चे का इंटरव्यू लिया, एंड गॉट द कमिश्नर रैंक। ये हमारी फौज की खूबसूरती है, वो उनके सिलेक्शन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी है। आप तो एक SSB की जर्नी होके आए हैं और आप महसूस करते हैं कि कितनी सच्चाई, कितनी क्रेडिबिलिटी है। तो हमेशा उद्देश्य हमारा यही रहता है समझाने का कि यार फौज अपने आप में क्रेडिबल है, हम इस पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। बस जरूरत है कि हम सच्चाई के साथ प्रयास करें, मेहनत करें, दुनिया के किसी उलझन में ना उलझें और अपने लक्ष्य के करीब जाएं। और मुझे लगता है अंकित आप उसके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल हैं और पूरे देश को एक बेहतर इंस्पिरेशन मिलती है। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, क्योंकि आप का समाज में देखूं, हाथरस की बात करो, इटावा की बात करो, शिकोहाबाद की बात करो, मुरादाबाद की बात करो, फिर जो तो एक्चुअली मैं उधर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स देख रहा हूं, आई हैव मेनी कैंडिडेट फ्रॉम देयर, हमारे पास बहुत जबरदस्त उधर से, बट नॉन कमीशन की भीड़ ज्यादा आती है। बोले तो गैर अधिकारी पद वाली, जिसमें बच्चे आर्मी के लिए ढेर सारे जा रहे हैं, फोर्स के लिए, बट एक कमीशनड की आपने शुरुआत की है उस एरिया से, एक्चुअली उधर का प्रॉब्लम कम्युनिकेशन ही है। तो क्या कहना चाहेंगे वहां के बच्चों के लिए, इवन पूरे भारत के बच्चों के लिए, कैसे खुद को फोकस करें अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए? जी सर, जैसे हम जिस एरिया से, वहाँ एरिया के लोग, लड़के क्या करते हैं, आर्मी की जो नॉन कमीशन अधिकारी होती है, जो रैली की भर्ती होती है, उसके लिए तैयारी करते हैं, अपना फिजिकल सही करते हैं। फिजिकल गांव में रहते हैं तो फिजिकल सही हो ही जाता है, तो उसकी तैयारी करते हैं, तो उसमें उनका हो जाता है। लेकिन लाइफ में सर कुछ बड़ा करने के लिए सोचना पड़ता है और उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। कभी कभी कंडीशन हमारे लिए नहीं होती है, सिचुएशन भी अगेंस्ट में होती है, तो सर आगे तो बढ़ना पड़ता है सर, और डटे रहना पड़ता है। और इसका एग्जांपल है आप, तो फादर आपके खुश हैं इस समय। यस सर, आई थिंक आप बड़ी इंस्पिरेशन बने हैं उस गांव के लिए। गांव मूलतः क्या गांव के नाम है आपका अंकित? सर हमारे गांव का नाम बसई है। बसई है, तो आज बसई बड़ा हो गया बिकॉज अंकित ने वहां से एक बड़ा काम कर दिया, एंड आई थिंक आप बहुत सारी ब्लेसेस पाएंगे और जल्दी ही जो है एक साल के अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके पुनः मुझसे मिलने आएंगे और हम अगले फेज का इंटरव्यू कर रहे होंगे। और मैं इस बदले हुए अंकित को दिखाना चाहूँगा कि अंकित ये था, एंड वंस ही केम फ्रॉम एकेडमी, तो अंकित ये है। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, क्योंकि आप भी लगातार SSB के लिए जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा आशीर्वाद है बेटा। बिल्कुल जाइए यार, सच्चाई से दीजिए, कम से कम कोई मन में मार्क तो नहीं रहेगा कि हमने कोई कसर छोड़ी। हर चीज़ में 100% ओरिजिनल हो जाइए, साइकोलॉजी में बेस्ट लिखिए, इंटरव्यू में ओरिजिनल बोलने का कोशिश करिए, GTO में हर चीज़ ऑनेस्टली करिए, और ये ऑनेस्टी के साथ जो आपका एफर्ट्स होगा शायद आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण ही होगा। तो थैंक यू सो मच अंकित, एंड फ्रॉम माय साइड अगेन लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशन। ईश्वर आपको ढेर सारी शक्ति दे और ऐसे ही आप प्रेरणा के कारक बनते जाएं और खुद के लिए, देश के लिए और परिवार के लिए बेहतर करते जाएं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। Major Kalchi classes online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to fauji banega India. Download the MKC learning app and fulfill your dreams.